सर आपका नाम? मोहम्मद शफी, राष्ट्रीय महासचिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जी सर, ये आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर जिस तरीके से जब वो जेल से रिहा, मतलब जब कानून उनको रिहा कर दिया था, उस वक्त में योगी सरकार ने एक साजिश के साथ उनके ऊपर रासुका लगाई, जो कि एक रासुका को प्रतीत करता है कि कानून काले कानून के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया है इस योगी सरकार ने। और जो आज़ादी को आज़ादी मिलनी चाहिए थी, बजाय उसके उसको जेल में डाल दिया, उसके खिलाफत में, उसकी मुखालफत में हम लोगों ने आज एक प्रोटेस्ट धरना दिया है यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश भवन में, और यहाँ मेमोरेंडम दिया है राज्यपाल के जरिए से कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर आपने रासुका लगाई है, इसे वापस लिया जाए और उन्हें आज़ाद किया जाए, जो कि शोषितों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के और समाज के उत्थान के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं, तो उन्हें आज़ाद किया जाए ताकि वो समाज के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छे आवाज़ के साथ, अच्छी बुलंदी के साथ में लोगों के बीच में जाएं। इसीलिए हम लोग ने आज चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया है, और चंद्रशेखर साथ सिर्फ यहीं तक नहीं देंगे कि आज हमने एक धरना दे दिया और धरना करके चले जाएंगे। जब तक चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा नहीं कर दिया जाता, इस लड़ाई को हम लोग मुसलसल निरंतर जारी रखेंगे। यही हम लोगों का आज आह्वान था, यहाँ से हमने शुरुआत की है, ना कि यहाँ पर हमने अपना धरना खत्म किया है। चंद्रशेखर आज़ाद की इस आवाज़ को हम पूरे देश तक लेकर जाएंगे, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। धन्यवाद सर।